अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सरफराज एंड यू वाचिंग टेक काउंटर। आज की वीडियो में बात करते हैं फ़ोन की स्पीड को कैसे बेहतर किया जाए। एक्चुअली हम सभी अपने फ़ोन की स्पीड को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आज से पहले कोई भी ऐसा तरीका जिससे फ़ोन की स्पीड में वाजे तौर पे फ़र्क देखने को मिले, मुझे कम से कम देखने को नहीं मिला। अब जैसा कि मेरे पास Xiaomi का Redmi 4X है, जो कि ऑलमोस्ट एक साल पुरानी डिवाइस है। अब इसकी स्पीड में, इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी कमी आ चुकी है और ये काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है। ऐसे ही हर कोई अपने पुराने एंड्रॉइड फोन को नए मॉडल्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता, और वक्त गुजरने के साथ साथ इन डिवाइसेस की स्पीड में काफी कमी आ जाती है, इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जो कि बेशतर लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है। अब अगर आपके पुराने एंड्रॉइड फोन के साथ भी यही मसला है, तो चंद ऐसी टिप्स, चंद ऐसी सेटिंग्स जो मेरे सामने आई, जिनकी मदद से आप अपने फोन की स्पीड में चंद सेकंड्स के अंदर नुमाया इजाफा देख सकते हैं। तो आपके फोन में ही चंद ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं जो कि आपके फोन की स्पीड को बेहतर कर देती हैं, और इस पर अमल करना भी बहुत ही आसान और मुअस्सर भी है। तो मैं समझता हूं कि हर एक को इसको जरूर आजमाना चाहिए। इस ट्रिक से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये काम कैसे करती हैं। हम जब भी किसी ऐप को ओपन या बंद करते हैं या फिर ऐप स्विच करते हैं, तो ट्रांजेक्शंस के दौरान एनिमेशंस की स्पीड यूजर इंटरफेस की स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज होती है। बजाय तो ऐसे लगता है कि हम एक ऐप से दूसरी ऐप के ऊपर स्विच हो गए, लेकिन ये एनिमेशंस फोन की स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं और फोन की स्पीड को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देती हैं। अब इन एनिमेशंस की स्पीड को तेज करने से एंड्रॉइड फोन की स्पीड को तेज किया जा सकता है, तो आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर एक ऐसी सेटिंग मौजूद है जिससे आपके फोन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसे डेवलपर ऑप्शन कहते हैं। आमतौर पर बाय डिफॉल्ट ये हाइड होता है, लेकिन इस तक रसाई मुमकिन है। अगर आप एंड्रॉइड का 7, 8 या 9 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन यूज कर रहे हैं, तो आपने सेटिंग में जाना है और सिस्टम पे क्लिक कीजिए, जबकि पुराने वर्जन वाले फोन्स में सेटिंग में जाकर अबाउट फोन पे क्लिक करें और उसके बाद में बिल्ड नंबर के ऊपर 7 टाइम क्लिक करने से ये डेवलपर ऑप्शन सामने आ जाएंगे। इसे ओपन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे की तरफ आपको 3 सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पे विंडो एनिमेशन स्केल, दूसरे नंबर पे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और तीसरे नंबर पे एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इन तीनों के आगे आपको 3 रीडिंग्स देखने को मिलेंगी, जहां पे 1x देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करने से आपके सामने डिफरेंट स्केल्स ओपन हो जाएंगे और टॉप के ऊपर आपके पास यहाँ पे 0.5x का स्केल होगा, इस पे क्लिक कीजिए। दूसरी सेटिंग में भी जाके आपने 0.5x को सिलेक्ट करना होगा और तीसरे नंबर पे भी जाके आपने 0.5x को सिलेक्ट कर लेना है। यहां से क्विट कीजिए, अपने यूजर इंटरफेस पे आइए। अब यहां पे आपको एनिमेशंस के अंदर एप्लीकेशंस को ओपन या बंद करने के दौरान में काफी ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन है। तो इस ट्रिक को यार जरूर आजमाना और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके फोन की स्पीड में फर्क देखने को मिलता है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। आज से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।